राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैं डॉक्टर अविनाश पते तिवारी, प्रवक्ता गणित। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में बच्चों एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित के अध्याय 10 सरल रेखाएं अर्थात स्ट्रेट लाइंस के छठवें और अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने मुख्यतया रेखा का लंब रूप नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ लिया था, साथ ही रेखा का व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था और रेखा के व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का हमने ढाल अंतखंड रूप में परिवर्तन करना सीखा था और साथ ही रेखा के व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का अंतखंड रूप में भी परिवर्तन करना हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो के भाग में हम मुख्यतया किन चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे रेखा के व्यापक रूप का लंब रूप में परिवर्तन, साथ ही एक बिंदु की रेखा से दूरी और हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को हल करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे रेखा के व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का लंब रूप में परिवर्तन अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इन नॉर्मल फॉर्म। बच्चों, आप याद करिए हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म कैसे पढ़ा था। हमने कहा था ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु, एक रेखा दी गई थी जिस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p था और यह लंब x अक्ष के धन दिशा से अल्फा कोण बना रहा था। तो हमने इस रेखा का समीकरण क्या ज्ञात किया था, आप याद करिए, x cos अल्फा धन y साइन अल्फा बराबर p। हमारे पास रेखा का व्यापक रूप दिया है, क्या दिया है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हम इस व्यापक रूप की रेखा को इस लंब रूप की रेखा में बदलने जा रहे हैं। देखिए कैसे, ax प्लस by बराबर माइनस c, यह हमारी दी गई रेखा है जिसमें c को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर लिया है। मानते हैं कि माना एक का लंब रूप क्या है, x cos अल्फा धन y sin अल्फा बराबर p। जब एक का यह लंब रूप है, इसका मतलब दोनों एक ही रेखा है, हम दोनों रेखाओं को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, एक तथा दो से, ध्यान दीजिएगा इसमें x का गुणांक cos अल्फा है, इसमें x का गुणांक a है, तो हमें क्या मिलेगा, cos अल्फा अपान a बराबर y का गुणांक sin अल्फा, इसमें y का गुणांक b है तो sin अल्फा बटे b हो जाएगा, इसमें अचर टर्म p है और इसमें अचर टर्म माइनस ही है। आगे हम देखें तो हमें मिलने जा रहा है क्या, cos अल्फा की वैल्यू a को हम राइट साइड में यहां करेंगे तो क्या मिलेगा, cos अल्फा बराबर, cos अल्फा बराबर माइनस ए पी अपान सी, साइन अल्फा कितना होगा, माइनस बी पी अपान सी। हम इन दोनों को वर करके जोड़ने जा रहे हैं, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा धन साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और धन बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर।
इसका मान बच्चों एक हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक बराबर इसमें से हम टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचेगा यहाँ ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो हम अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो पी का कितना मान आएगा, इसलिए पी बराबर प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। हमने p का मान ज्ञात कर लिया। अब p का मान अगर हम cos अल्फा में रख दें तो देखिए क्या मिलता है, इसलिए cos अल्फा बराबर ध्यान से देखिए माइनस ए बाई सी ब्रैकेट में p की वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं तो प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो हमें कॉस अल्फा का मान प्राप्त हो गया। एक चीज़ बच्चों समझना है, ये माइनस है अंदर प्लस माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो पहले माइनस मिलेगा और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस मिलेगा। तो चाहे इसे आप प्लस माइनस लिखें चाहे माइनस प्लस लिखें, यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं रखा जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम साइन अल्फा में पी का मान यहाँ से रखें तो हमें क्या मिलेगा, तो मैं लिखता हूँ इसी प्रकार प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर जीरो का लंब रूप कितना है, एक्स कॉस अल्फा धन वाई साइन अल्फा बराबर पी है, जहां पी का मान यहां दिखाया गया है, कॉस अल्फा का मान यहां दिखाया गया है और साइन अल्फा का मान यहां दिखाया गया है। एक बात और ध्यान देना है कि हम पी निकालते समय चिन्हों का उपयोग कुछ इस तरह से करेंगे कि पी का मान हमेशा धनात्मक आ जाए। अब बच्चों हम इस पर एक उदाहरण हल करते हैं, देखिए कैसे। समीकरण रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस एट बराबर जीरो को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। समीकरण है क्या दिया है, रूट थ्री एक्स प्लस वाई बराबर आठ। एक बात यहाँ ध्यान देना है कि जो रेखा का व्यापक समीकरण था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, उससे अगर इसको कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, ए बराबर कर्णी में तीन और बी बराबर एक। हमने जैसे आर्टिकल हल किया उसी प्रकार से इसको भी लंब रूप में हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग दे दें तब भी हमें बड़े आसानी से इसका लंब रूप प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, कितना होगा, तीन धन एक, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर चार, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर दो। हम एक में अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर से भाग देते हैं, कैसे, एक में अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का
भाग देने पर क्या होगा, देखिए रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस वाई बाई टू, वाई बाई टू बराबर आठ बटे दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दो है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने का मतलब हुआ आपको दोनों पक्षों में दो का भाग दे देना है। अब यहाँ अगर देखें तो x रूट थ्री बाई टू cos 30 डिग्री प्लस वन बाई टू साइन 30 डिग्री बराबर चार, यही बच्चों रेखा एक का लंब रूप हुआ। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, रेखाएं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, जहाँ बी वन बी टू नॉट इक्वल टू जीरो समांतर हैं यदि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू, दूसरा लंब है यदि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बराबर जीरो। बच्चों यह दो रेखाएं जो कि अपने व्यापक रूप में दी गई हैं उनके समांतर होने और लंब होने का प्रतिबंध देता है, इसीलिए यह उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको चाहिए कि दोनों रिजल्ट भी आप सूत्र के रूप में याद कर लें। हम इसको प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले आप यह समझिए कि हम लोगों ने रेखा के व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो को प्रवणता अंतःखंड के रूप में बदला था। कैसे बदला था याद करिए, बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, यानी कि वाई बराबर माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। रेखा के इस व्यापक रूप का यह प्रवणता अंतःखंड रूप है। प्रवणता अंतःखंड रूप होता क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो आपको यह बात पिछले भाग में सिखाया गया था कि आप यहां इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस व्यापक रूप की रेखा की प्रवणता कितनी है, यानी व्यापक रूप की इस रेखा की प्रवणता कितना होगा, माइनस ए बाई बी। और आपसे हमने कहा था कि इसे आप याद भी कर लीजिए। हम इसी रिजल्ट का उपयोग अपने इस उदाहरण में करेंगे, देखिए कैसे। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो की प्रवणता एम वन बराबर, इसकी प्रवणता थी माइनस ए बाई बी, तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, माइनस ए वन बटे बी वन, इसको मैं एक कर देता हूं। उसी प्रकार से ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो की प्रवणता कितना होगा, एम टू बराबर माइनस ए टू बाई बी टू, माइनस ए टू बाई बी टू, इसको मैं दो कर देता हूं। अब पहला कंडीशन कहा जा रहा है या पहला भाग कहा जा रहा है क्या, कि रेखाएं समांतर हैं। देखिए माना एक तथा दो समांतर हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रेखाएं कब समांतर होती हैं, जब उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर हों। दिस इंप्लाई एम वन बराबर एम टू,
M1 बराबर M2 होने का क्या मतलब हुआ? माइनस A1 बाई B1 बराबर माइनस A2 बाई B2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो दिखाई क्या देगा? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2। दूसरे भाग की बात करें माना एक तथा दो लंबवत हैं, मतलब रेखा एक और दो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हमने कंडीशन क्या पढ़ा था? पढ़ा था क्या? M1 इंटू M2 बराबर -1। M1 का मान भरें तो -A1 बटे B1, M2 का मान भरें -A2 बाई B2 बराबर -1। इसका क्या मतलब हुआ? A1 A2 अपान B1 B2 बराबर -1। दिस इंप्लाई A1 A2 बराबर -B1 B2। इसको लेफ्ट में करें तो क्या हो जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0। यह दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध है। अब बच्चों अगली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, एक बिंदु की रेखा से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े हैं। यहां पे एक बिंदु की बात हो रही है और एक रेखा की बात हो रही है। यहां लिखा है एक बिंदु की किसी रेखा से दूरी उस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है। बच्चों यह याद करना आपको है। कहा जा रहा है क्या कि एक रेखा है और कहीं एक बिंदु है O। आपसे कहा जाए कि इस बिंदु की रेखा से दूरी क्या है, तो करना क्या है कि इस बिंदु से इस रेखा पे लंब डाल देना है। इसको N कहा जाए, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अब जो ये लंब की लंबाई ON है, इसी लंब की लंबाई को कहते हैं बिंदु की रेखा से दूरी। तो यहाँ जो ON दिखाई दे रहा है वही ON इस बिंदु O की इस रेखा से दूरी कही जाएगी। हम मान लेते हैं कि किसी बिंदु PX1Y1 से रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई D है। हमें यहाँ पर एक बिंदु दिया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है AX1Y1 और एक रेखा दी जा रही है जिसका समीकरण कहा जा रहा है क्या? AX धन BY धन C बराबर 0। इस बिंदु से यह रेखा एक है, इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को D कहा जा रहा है। ध्यान देंगे यह कोण 90 डिग्री का है। तो अब आपको यहाँ एक सूत्र याद रखना है क्या? D बराबर AX1 प्लस BY1 प्लस C बटा अंडर रूट A² प्लस B². ध्यान देंगे चूंकि ये दूरी है इसलिए हमेशा धनात्मक होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ मॉड लगा देंगे। और यह आपके लिए एक सूत्र है जिसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस पर एक उदाहरण लगाते हैं। बिंदु -1, 1 की रेखा 12x प्लस 6 बराबर 5y माइनस 2 से दूरी ज्ञात करें। रेखा क्या लिखा है? 12x प्लस 6 बराबर 5
वाई माइनस दो। इसका क्या मतलब हुआ, 12x धन 72 बराबर 5y माइनस 10, मतलब 12x माइनस 5y धन 82 बराबर 0। ध्यान देंगे यह रेखा है जिसको एक कहा जा रहा है और एक बिंदु दिया गया है कितना, इसको हम ए माइनस वन कामा वन कह रहे हैं। तो इस बिंदु की रेखा एक से दूरी पूछी जा रही है, तो करना क्या होता है, यहाँ से लंब डाल लेंगे, इसको एन कहेंगे, यही दूरी डी है। तो अभी अभी हमने इसमें सूत्र याद किया, डी का कितना मान होगा, 12 एक्स के जगह पे एक्स वन, तो 12 गुणे माइनस एक, माइनस 5 वाई की जगह पर वाई वन, तो एक हो जाएगा और धन 82 बटे कर्णी में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, तो कितना 12 का स्क्वायर और धन माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा देखिए, माइनस 12 माइनस 5 धन 82 बटे 144 धन 25, ये माइनस 17 धन 82 बटे 169, 82 माइनस 17 65, ये 169 का वर्गमूल 13, कितना हो जाएगा 5 इकाई। तो इस बिंदु की रेखा से दूरी हो जाएगा 5 इकाई। एक बात का ध्यान देना है, सूत्र में यहाँ मापांक होता है, क्योंकि हमारा 65 धन आ रहा था, अगर यहाँ ऋण होता तो मापांक की वजह से हम यहाँ धन बना लेते हैं, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण बच्चों हम और देखते हैं, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो दिखाइए कि 1 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर धन 1 बटे बी स्क्वायर। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हैं, इससे साफ इशारा है कि हमें रेखा के अंतःखंड रूप से शुरुआत करनी है। रेखा का अंतःखंड रूप हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, याद करिए एक्स अक्ष पे अंतःखंड ये ए था, ये अंतःखंड बी था। हम अगर इसे बिंदु ए कहें और इसे बिंदु बी कहें, तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेखा का समीकरण, कितना x बाई ए धन y बाई बी बराबर 1। हम ए बी का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा bx धन ay बराबर ए बी, इसका मतलब bx धन ए वाई माइनस ए बी बराबर 0, हम इसको एक कह देते हैं। अब कहा जा रहा है कि इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, मतलब मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, ये 90 डिग्री का है, इस लंब की लंबाई P है। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो प्रश्नानुसार P का कितना मान होगा, तो P का मान इस मूल बिंदु से रेखा, इसे रेखा एक कह सकते हैं, रेखा एक पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो कैसे देखा था हमने, B लिखेंगे
जीरो प्लस ए लिखेंगे वाई के जगह पे जीरो और माइनस ए बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, साथ ही यहाँ मॉड लगा देंगे। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो कितना होगा, पी स्क्वायर बराबर ये शून्य शून्य हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई एक बटे पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात एक बटे पी स्क्वायर बराबर एक बटे बी स्क्वायर धन एक बटे ए स्क्वायर, अर्थात एक बटे पी स्क्वायर बराबर एक बटे ए स्क्वायर धन एक बटे बी स्क्वायर। यही बच्चों हमारे इस उदाहरण का हल हुआ, इसे आप बढ़िया से तैयार करें। एक अगला उदाहरण देखते हैं, अक्षों के बीच किसी रेखा खंड का मध्य बिंदु पी ए बी है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण एक्स बाई ए धन वाई बाई बी बराबर दो है। बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि रेखा खंड का मध्य बिंदु, स्पष्ट है कि हमें यहाँ एक ऐसी रेखा की बात करना है जो अंतःखंड रूप में दिया गया है, लेकिन अंतःखंड के रूप में जब हम रेखा लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स बाई ए धन वाई बाई बी बराबर वन। ए क्या होता है, एक्स अक्ष से अंतःखंड होता है, बी वाई अक्ष से अंतःखंड होता है, लेकिन इस उदाहरण में ए और बी सिंबल का इस्तेमाल कर लिया गया, इसलिए हम अपना सिंबल चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष ये मूल बिंदु, एक रेखा है जो एक्स अक्ष पे एच अंतःखंड काट रहा है और वाई अक्ष पे के अंतःखंड काट रहा है। इस बिंदु को अगर हम ए कहें तो ए का निर्देशांक होगा एच कामा जीरो, इसको हम अगर बी कहें तो बी का निर्देशांक होगा जीरो कामा के। तो हमारे सामने एक रेखाखंड ए बी दिख रहा है। अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि अक्षों के बीच किसी रेखाखंड का मतलब रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु पी ए बी है, तो ऐसे समझिए इस रेखाखंड ए बी का जो मध्य बिंदु है वो पी ए बी दिया गया है। हम लोगों ने मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़ लिया है। प्रश्नानुसार ए बराबर कितना होता है, एक्स वन धन एक्स टू बटे दो, क्या हो जाएगा एच धन जीरो बटे दो। बी का कितना मान होगा, वाई वन धन वाई टू बटे दो मतलब जीरो धन के बटे दो। तो यहाँ से क्या मिला, ए बराबर एच बाई टू और बी बराबर के बाई टू, दिस इंप्लाई एच बराबर टू ए और के बराबर टू ए। हमने h को x अक्ष पे अंतःखंड माना है और k को y अक्ष पे अंतःखंड माना है, तो हम लिखते हैं क्या, उस रेखा का समीकरण जिसका x अक्ष पर अंतःखंड h तथा y अक्ष पर अंतःखंड k हो, क्या समीकरण होगा, x बाई एच धन y बाई के बराबर एक। हमने s का मान निकाल लिया टू ए, k का मान निकाले टू बे, यहाँ भर देंगे तो कितना होगा
एक्स अपान टू ए धन वाई अपान टू बी बराबर एक, मतलब एक्स बाई ए धन वाई बाई बी बराबर दो। यही हमें प्रूफ करना था। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस उदाहरण को हल कर लिया। अब हम आपको इस वीडियो लेक्चर पे गृह कार्य दे रहे हैं। ये गृह कार्य आज के ही वीडियो लेक्चर पे आधारित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन्हें बड़े आसानी से हल कर लेंगे। इस तरह से सरलरेखाओं के छठवें और अंतिम भाग आज समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।